दोस्तों अरब कंट्री में आप आना चाहते हैं ऊंट भेड़ बकरी के काम में, इसकी सच्चाई जान लीजिए दोस्तों। इतना बड़ा खेवा होता है, यहाँ पे अकेले रहना पड़ता है एक बंदे को, और राशन के कितने पैसे मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कितना काम करना पड़ता है, सारी बातें दोस्तों इसमें करेंगे हम। और अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, गर्मी के मौसम में कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या लाइफ है, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। फिर वो चाहे ऊंट चराने के काम में आए हों या बकरी के काम में आए हों, मैं इस वीडियो में बकरी का भी दिखाऊंगा आपको। इस तरह से खेवा होता है और इस तरह से बकरियां रखी होती हैं। एक खेवा में कहीं कहीं 50-100 बकरी हैं, कहीं कहीं 500 बकरी तक है। दोस्तों अरब देश में ज्यादातर भेड़ बकरा ऊंट का काम होता है, आउट एरिया में, यानी रोड से काफी अलग है, ये हाईवे रोड से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है, ताकि ये जानवर रोड पे न जाएं। और इनको खाना पीना दोस्तों यहीं पे देते हैं, ठंडियों में इनको थोड़ा बहुत चराना होता है, चराते हैं, गर्मियों में इनको इस तरह से खाना दिया जाता है, बरसीन है, यानी गर्मियों में खाना पीना देना होता है यहीं पर, कहीं लेके जाना नहीं होता है। इस तरह ड्रम होता है दोस्तों, ड्रम में पानी दिया है और इससे जो है खाना देने के लिए लेके जाते हैं। तो बकरियां कहीं पर 100 होती हैं, कहीं पर 200, कहीं पर 500 तक बकरी होती हैं। एक अरबी के पास करीब करीब 100-150 तक ऊंट पाल लेते हैं, यानी किसी के पास 10 ऊंट है, किसी के पास 20, 50, 100-150 तक ऊंट पालते हैं। जिसके पास 150 ऊंट है, उसके पास 3 आदमी काम करने वाले हैं, 4 आदमी काम करने वाले हैं, लेकिन जिसके पास 10 ऊंट है या 15 ऊंट है, उसके पास एक ही आदमी काम करता है। सुबह उठ के उसको खाना देना पड़ेगा, पानी देंगे, उसके बाद साफ सफाई करेंगे, उसके बाद अपना खाना पीना करेंगे, इसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम के टाइम फिर दोबारे से जो है खाना देंगे, पानी देंगे, इस तरह से काम होता है। दोस्तों बात करते हैं ऊंट के काम में कितनी सैलरी मिलती है, ऊंट या बकरी या भेड़ के काम में अगर आते हैं आप, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों मैं अभी अरब कंट्री कुवैत में हूं, तो कुवैत में दोस्तों इसकी सैलरी मिलती है 90 दिनार 100 दिनार। 100 दिनार मिलेगा दोस्तों अगर सैलरी, तो इंडिया के करीब बन जाते हैं 26,000-27,000, क्योंकि दोस्तों 1 दिनार का 268 रुपया या 270 रुपया का रेट होता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये मान के चलिए 265 का रेट मिलता है बैंक से, कभी कभी 265, 266, 267, 268, 270 कुवैत का 1 दिनार इंडिया के इतने बनते हैं। दोस्तों रास्ता देखिए, एक जगह से दूसरे जगह जब ऊंट लेकर जाते हैं तो इन रास्तों से लेकर जाते हैं, साथ में गाड़ी भी होती है, जो अरबी लोग हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और जो लोग काम करते हैं वो ऊंट को पैदल लेके चलते हैं। तो इस एरिया में दोस्तों ऊंट को पाला जाता है और ये एक हिसाब से ऊंट मंडी है। आपने बहुत सारी मंडी देखी होगी, लेकिन ये देखिए दोस्तों ऊंट मंडी कैसे खेवा लगे हुए हैं, लोहे की बाउंड्री बनाई हुई है और ऊपर से जो है तिरपाल ताना हुआ है, यानी छाव के लिए। तो इसमें दोस्तों ऊंट रहते हैं और जो ऊंट को देखभाल करता है, तो उसका घर भी मैं दिखाता हूं आपको। उसका घर दोस्तों इस तरह से होता है, देखिए घर है, ये घर है दोस्तों, जो ऊंट को देखभाल करता है उसमें रहता है, गाड़ियों की घर होती है। तो मैं चल रहा हूं दोस्तों अभी जहां पे बकरी और भेड़ पाले जाते हैं, तो रोड नहीं है दोस्तों, मैं बिल्कुल बालू पे चल रहा हूँ, पूरा रेगिस्तान है ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बकरी है, एक अरबी के पास 10 बकरी से लेकर 500 बकरी तक एक आदमी के पास होती हैं। अगर 500 बकरी है तो 2 आदमी काम करने वाला होगा, अगर 10 बकरी या 20 या 50 बकरी है तो एक आदमी काम करेगा। दोस्तों इस एरिया में दोस्तों बकरी पालते हैं, एक खेवा लगाया हुआ है, इस खेवा में जो है आदमी रहते हैं। दोस्तों ये पानी का टैंकर है, एक टैंकर जो है 8 दिनार 10 दिनार का है पानी का टैंकर,
यहाँ खेवा में जो है टैंकर से पानी जाता है। और बकरी जो पाली हुई है दोस्तों, ये देखिए, तो ये पैरा है सूखा हुआ, मसूर की दाल के पैरा है, ये खा रही हैं दोस्तों। जो बकरी और ऊंट को देखभाल करता है भेड़ा का, उसका घर ये देखिए, ये घर है। और इस घर में एक खेवा में यानी बकरियां रहती हैं, तो बहुत बड़ा एक प्लाट होता है दोस्तों, उसमें जो है तार से घेरा होता है बाहर, और बीच में पार्टीशन बनाया होता है, इसमें बकरी है, उस साइड में देखिए दोस्तों भेड़ा है, उस साइड में भेड़ है, इस साइड में बकरियां हैं। अलग अलग पार्टीशन बनाया है ताकि बकरी को उधर कर देते हैं तो यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, फिर बकरियां और भेड़ा इधर लेके आते हैं, फिर उधर सफाई करते हैं। तो इस तरह से काम होता है दोस्तों बकरी का। और सामने उस साइड में भेड़ा है दोस्तों, एक आदमी काम करने वाला है और करीब 100 बकरी है यहाँ पे। जो बंदा यहाँ पे काम करता है वो सुडानी है, यानी सुडान से आया है और काम करने के लिए, तो उसको इस तरह से रूम दिया गया है। रूम के साथ साथ उनको एक फ्रिज दिया है, एसी दिया है, अगर एसी नहीं दिया है तो एक कूलर दिया है। राशन का पैसा एक आदमी को 20 दिनार मिलता है, एक महीने का राशन, या तो राशन देगा, नहीं राशन देता है तो 20 दिनार देगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिन में तो आदमी से मुलाकात हो जाता है, लेकिन रात में अकेले रहना पड़ता है इस खेवा में।